नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सीधे सीधे नेता विरोधी दल अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था कि ऑस्ट्रेलिया में टापू और ब्रिटेन में होटल कैसे खरीदे, कहां से खरीदे। यदि उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं लूटा है तो आखिर यह पैसा कहां से आया जिससे अखिलेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया में टापू और ब्रिटेन में होटल खरीदा। विधानसभा में इस आरोप को सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर लगाया था। इस आरोप को लगे हुए 6 माह से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बाबत कोई न टिप्पणी की न उन्होंने इसका खुलासा किया। साफ जाहिर सी बात है कि दामन में दाग है, लिहाजा कुछ कहने की स्थिति नहीं है। आपके सामने यह तथ्य इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। एनडीए और विपक्ष दोनों लामबंदी अपने अपने दलों की कर रहे हैं। कल बेंगलुरु में कांग्रेस सहित 26 राजनीतिक दलों की बैठक, वहीं दिल्ली में एनडीए की बैठक। एनडीए के साथ 39 दल आए और विपक्ष के साथ 26 दल आए। अब 26 दल जो विपक्ष के साथ जुटे उसमें समाजवादी पार्टी सरीखी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, यह सब कांग्रेस के साथ जाते हुए दिखे। अब सवाल यह उठता है कि मुख्य मुद्दा या मुख्य लड़ाई आखिर किस लिए है, किसके लिए है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए ने एनडीए बनाम इंडिया का स्लोगन सामने आया है उससे साफ जाहिर होता है कि एक तरफ विपक्ष अपने दलों की या छोटे छोटे दलों की लामबंदी कर रहा है, तो वहीं सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी अपने साथ और छोटे दलों को लाकर अपनी लामबंदी कर रहा है। अब इसमें खास बात यह है कि कई छोटे दल तो ऐसे भी हैं जिनका प्रतिनिधित्व ना तो लोकसभा में है, ना राज्यसभा में है, ना विधानसभाओं में है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय दल या जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है, यह अपने अपने खेमे की लामबंदी इसलिए कर रहा है कि छोटे दल भले ही किसी भी सदन के सदस्य ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ वोट तो उनका होगा, नहीं होगा तो कम से कम सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों का वह वोट काट पाएंगे। जिस तरह से सीन सामने आया कि 39 दल, इसमें क्षेत्रीय दल भी हैं, राष्ट्रीय दल भी है, यह एनडीए के साथ, तो वहीं 26 दल केवल अभी तक सामने आए हैं जो कांग्रेस के यानी विपक्ष के साथ जा रहे हैं। विपक्ष के साथ खास तौर से वह दल जाते दिख रहे हैं जो अपने दामन में दाग लिए हैं, चाहे वो उन पर अल्पसंख्यकों को सरपरस्ती देना हो या भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में दाग तो है। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो यह लड़ाई राष्ट्रवाद और अपने आप को यानी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दिख रही है, क्योंकि जैसे एनडीए राष्ट्रवाद का नारा देकर के आगे बढ़ रही है कि इंडिया ही उसके लिए सब कुछ है, भारत ही उसके लिए सब कुछ है, राष्ट्र ही उसके लिए सब कुछ है, तो वहीं इंडिया का नारा देने वाले कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वह कहते हैं कि हम संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। लोकतंत्र बचाना उनका मकसद है, संविधान बचाना उनका मकसद है। तो सवाल यह भी उठता है कि जब वह सत्ता में थे तो उन्होंने, यानी विपक्ष जब सत्ता में था तो उसने राष्ट्र के लिए खास तौर से क्या किया, क्योंकि जिस तरह से
समाज में खाई बढ़ती दिख रही है वह एक गंभीर चिंता का विषय है। भले ही वह एनडीए के कार्यकाल में हो या कांग्रेस के कार्यकाल में हो, कुल मिलाकर के हालात यह है कि देश बिखरना नहीं चाहिए, देश टूटना नहीं चाहिए। भले ही सत्ता किसी को मिले या ना मिले, कम से कम इतना अवश्य होना चाहिए कि राष्ट्र के साथ हो, देश की आम आवाम के साथ हो, राजनीति हो, लेकिन स्वार्थों से परे राजनीति हो। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।